गाइस वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसे तिल के लड्डू। खास बात ये कि हम इन लड्डू को बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बना के तैयार करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जबरदस्त बनेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे एक कप सफेद तिल। तिल डालने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए धीमी गैस पर तिल को भून लेंगे। जो हमारे तिल है वो भून जाते हैं तो इनमें चटकने की आवाज आने लगती है, हल्का कलर है वो चेंज हो जाता है। तिल की तासीर है वो गर्म होती है और खास बात यह है कि ये वेट लॉस के लिए काफी मददगार होते हैं, साथ ही में सर्दी जुकाम के लिए भी काफी फायदेमंद रहते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट हो गए, जो हमारे तिल हैं वो भुन गए हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे, उनको साइड कर देंगे। अब इधर हमने गैस पर फिर से कढ़ाई रखी है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद घी को मेल्ट कर लेंगे। जो हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब उसमें डालेंगे 1 कप गुड़। यहाँ पर मैंने गुड़ को बारीक बारीक पीसेस में कट करके लिया है, साथ ही में इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पानी और पानी डालने का कंटिन्यू चलाते हुए धीमी गैस पर गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे मीडियम टू हाई गैस पर। तो इस तरीके से हमने गुड़ को कुक करके ले लिया है। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें से कुछ ड्रॉप्स हैं वो पानी में डाल देंगे और डालने के बाद हाथों पर इस तरीके से लेके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हल्की चिपचिपी जैसी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने तेल भून के लिए थे वो, और डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तेलों को चाशनी में। यहाँ पर हमें फ्लेम को धीमा रखना है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसका काफी अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और डालने के बाद धीमी गैस पर अच्छी तरीके से कुक करेंगे जब तक जो इसका टेक्सचर है वो थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर वो हल्का हल्का थिक होने लगा है। अब बस हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए इसे और थिक करेंगे। तो अब इधर मैंने इसे अच्छी तरीके से ठंडा करके ले लिया है। अब हम झटपट से बना लेते हैं इसके लड्डू, क्योंकि ये अभी हल्का गर्म है तो इसके लड्डू झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। अगर हम इसे ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो अब लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लड्डू है वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से सभी लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लड्डू हैं वो हमारे बन के तैयार हो गए, बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी लगते हैं खाने में। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारा जो लड्डू है वो कितना सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं मुंह में घुल जाने वाला तिल और गुड़ का लड्डू है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। सो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिए, तो आप देख सकते हैं आ रही होंगी, आप इनको भी जाकर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।